सर्दियों के दिनों में ऐसी तस्वीर आम है और इसी के साथ आम है वो बीमारियाँ जो ठंड बढ़ते ही कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलाज की ऐसी तकनीक के बारे में जो ठंड के मौसम में होने वाली तमाम परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा और ऐसी ही बीमारियों से कैसे निपटें, जाने माने एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कपूर से खुद सुनिए। दिल्ली जो है वो धीरे धीरे पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस वजह से बीमारियां जो है रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ती जा रही है। इन रेस्पिरेटरी इलनेसेस में अगर हम कॉमनली देखें तो छोटे बच्चों को भी इफेक्ट आना शुरू हो गया है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये इलाज है, ये चाइना में तो बहुत प्रचलित है, इंडिया में हम अभी इसको शुरू कर रहे हैं पहली बार। इसमें एक मॉक्सा एक हर्ब होता है, चाइनीज हर्ब। इसके हर्ब्स के पैचेस बनाए जाते हैं और ये पैचेस जो हैं ये 3 दिन होते हैं कैलेंडर ईयर के, जो स्पेसिफिक डेज हैं। और इस साल में वो 3 दिन जो कैलेंडर ईयर के ल्यूनर ईयर के हिसाब से एस्टेब्लिश किया है चाइनीज जो करते हैं, वो 21 दिसंबर है, 30 दिसंबर है और 8 जनवरी है। तो इन तीन दिन के जो है, क्योंकि जो पोर्स होते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट के वो इन 3 दिनों में खुल जाते हैं। सो इन 3 दिनों में स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे ये मॉक्सा पैचेस को लगा दिया जाता है और ये तकरीबन 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को लगा के रखने होते हैं और उसके बाद इसको आप हटा सकते हैं। एक्यूपंक्चर के साथ साथ उससे जुड़ी कई नई तकनीक से इलाज करने वाले डॉक्टर रमन कपूर सर गंगाराम अस्पताल में एक्यूपंक्चर विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर कपूर कहते हैं कि इस इलाज से शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसमें आजकल एक बहुत अच्छी पद्धति भी एक्यूपंक्चर में यूज करते हैं, इसको हम कैटगट एम्बेडिंग कहते हैं, जिसमें कि एक्यूपंक्चर के पॉइंट पे छाती में सेंटर में एक एक्यूपंक्चर का बिंदु होता है, उसके ऊपर एक कैटगट थ्रेड जो है उसको एम्बेड कर देते हैं और वो 4 से 6 हफ्ते में अपने आप डिजॉल्व हो जाती है। सो ये इलाज बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एलर्जीज के लिए ऑटो इम्यूनाइजेशन भी बहुत सक्सेसफुल है, जिसमें कि एक एक्यूपंक्चर पॉइंट से दूसरे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे 1 ml ऑफ ब्लड भी जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, इससे भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। पैच से इलाज का ये तरीका सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो भी इससे आपको राहत मिलेगी। हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वीक पेशेंट्स, जो कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट्स में भी इन पॉइंट्स पे अगर हम ये मॉक्सा पैचेस लगाते हैं तो उससे उनका जो ठंड से बचाव भी हो जाता है और उनके अंदर जो ये पोर्स खुलने से वो ठंड उनको कम लगती है। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।